अक्सर में हम में से बहुत सारे लोग एक खुद का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जो कि कोडिंग है, जिसका सामने हमें करना पड़ता है। हम में से बहुत सारे लोग कोडिंग को नहीं जानते हैं, जिसके कारण हम अपना खुद का एप्लीकेशन नहीं बना पाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप फ्री में बिना कोडिंग जाने कैसे अपने एंड्रॉयड से ही एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो इसे जानने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो लास्ट तक। तो हेलो गाइस, हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है MTI फाउंडेशन में, जहाँ पे हम आपको देखते हैं टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप जो वेबसाइट है appsgeezer.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस ओपन होकर दिखाई देगा। तो वहाँ पे आपको इस साइड में देखिएगा कि क्या होगा कि एक लॉगिन का बटन दिखाई पड़ जाएगा। उस लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। आप फेसबुक या गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, और आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि आप गूगल अकाउंट या फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपने ईमेल को यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन कर लेने के बाद आपको क्रिएट ऐप करना है, तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हम मैसेंजर अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैसेंजर क्लिक करके चूज़ कर लेंगे और ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगी। इस टेम्पलेट को ओपन हो जाने देना है आपको। आप चाहें तो इसे आप डेस्कटॉप साइड भी ओपन कर सकते हैं, ताकि आपको डेस्कटॉप की तरह फीलिंग हो, नहीं तो आप ऐसे भी यहाँ पे ओपन इसे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे टेम्पलेट ओपन होगी तो आप यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आप नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पे आप बैकग्राउंड इमेज अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस बैकग्राउंड इमेज को भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक इमेज अटैच कर देते हैं बैकग्राउंड के लिए, जिसे हम बैकग्राउंड लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे डन करेंगे, और चाहें तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, और क्रॉप कर लेने के बाद यहाँ पे इसे आप क्रॉप कर दीजिए तो इमेज यहाँ पे लग जाएगी। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे आप अपने ऐप का नाम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हैं उसे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ MTI सेंडर गोबर देता हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। आप आइकन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे तो यहाँ पे आप अपना खुद का आइकन लगा सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप अपना खुद का लोगो क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें से आप लोगो बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसी का लोगो जो है लगा है, इसे ही लगा रहने देंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इसे अब हम यहाँ पे हमारा ऐप क्रिएट कर देंगे। तो ऐप हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है, कुछ टाइम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, अब यहाँ पे ये ऐप है वो क्या हुआ क्रिएट हो चुका है। चाहें तो आप सब अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इसे अपने प्ले स्टोर में भी पब्लिश कर सकते हैं। प्ले स्टोर में पब्लिश करने के लिए आप कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, तो आप अगर नहीं पब्लिश करना चाहते हैं तो आप APK मोड में भी इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डाटा जो है पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से आप QR कोड को भी स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसे स्क्रीनशॉट लेके आप अपने किसी भी फ्रेंड के पास भेज सकते हैं, और जब इसे वो स्कैन करेगा तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकता है, या फिर आप इसे खुद भी स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगा, तभी यहाँ पे इसे भी लिंक आप यहाँ पे शेयर करके डाउनलोड अपने फ्रेंड के साथ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम
इससे ऐप रेडी हो चुका। देखिए अब इसे हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। APK फाइल में थी तो यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये देखिए ये अभी प्ले स्टोर में नहीं है, तो इसलिए आपसे पूछता है ये फाइल आपके डिवाइस को, हो सकता है कोई ऐसा कोई क्रिएटर हो जिसने इसे डेवलप किया हो तो आपको हार्म कर सकती है, लेकिन आपने इसे खुद क्रिएट किया है तो आपके लिए एक ट्रस्टेड सोर्स है, इसलिए आप इसे यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके हम इसे यहाँ पे कर देंगे, इसे यहाँ पे आपको कोई हानि नहीं पहुँचेगी। तो यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो रही, तब तक हम इसे डाउनलोड हो जाने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स यहाँ पे पूछेगा क्योंकि ये अनोन सोर्स है, तो इसके लिए यहाँ पे इसकी जो सेटिंग होती है वो ब्लॉक होती है, तो आप हमें सेटिंग में जाके इसे ऑन कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो आप हमेशा के ऑन ना करिए क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के अलावा वहाँ पे आपको हार्म कर सकती है, तो इसलिए इसे ऑफ रहने दीजिए। जिसे आप डाउनलोड करना है तब यहाँ पे आप डायरेक्टली इसे ऑन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे अननोन सोर्स को क्या करेंगे, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है, हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ ही टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल यूज़र इंटरफेस मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है। तो यहाँ पे इसे आप चेंज भी कर सकते थे, तो हमने इसे कोई चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट मैसेजिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने कंट्री कोड चेंज चूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है ताकि OTP जनरेट किया जा सके। और यहाँ पे आप अपना जैसे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे OTP आपको वाया मैसेज यहाँ पे आपको सेंड कर दिया जाएगा इसमें से आपके फ़ोन पे जैसे ही आएगा। तो यहाँ पे सेंड जैसे मैसेज करेंगे तो मैसेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैसेज आ चुके हैं, हम यहाँ पे 21 देख लेते हैं, 21 84 8 नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ से आपको बोल रहा है कि आप सब्सक्राइब करना चाहें कुछ जो टेलीग्राम चैनल को है, तो आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपको बहुत सारे मैसेज देखने को मिल जाएंगे, आप कैंसिल करेंगे तो नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिए। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको एक्सेस मांग रहा है तो आप करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिए आपके फ्रेंड से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे भी अलाउ करना चाहें तो अलाउ कर दीजिए, आप इसे भी यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। अब बात रही यहाँ पे इसके इंटरफेस की, तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम मिल जाती है, ब्लैक मोड भी आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप, जो कि काफ़ी हमारे ये अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि ये आपका एक टेलीग्राम ऐप है जो कि क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आपका ये टेलीग्राम ऐप बिल्कुल ही सेम टेलीग्राम की तरह है, वर्क कर रहा है। क्रिएट करना होगा तो ऐप आप यहाँ पे बिजनेस के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, तो आप फेसबुक पेज के लिए अगर क्रिएट करना चाहते हैं या फिर अपने ब्लॉग के लिए या फिर अपने बिजनेस वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल को भी आप एक मोबाइल ऐप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे भी बहुत सारे टेम्पलेट्स दी गए हैं इंडिविजुअल में, तो आप क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पे फ़ोटो एडिटर, बहुत सारे ब्राउज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, गेम भी अपना क्रिएट कर सकते हैं।